कहानी की शुरुआत होती है। हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स क्रॉस नामक एक डिटेक्टिव अपनी पार्टनर के साथ एक स्टिंग ऑपरेशन कर रहे होते हैं। दरअसल एक साइको किलर इस समय में बहुत सी लड़कियों को मार रहा था। उस साइको किलर का एक पैटर्न होता है, वो किलर सिर्फ उन लड़कियों को मारता था जिनके बाल छोटे होते थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एलेक्स क्रॉस की पार्टनर भी अपने बाल छोटे कराकर सस्पेक्ट के साथ ड्राइव पर होती है। बैकअप में डॉक्टर क्रॉस और एक हेलीकॉप्टर इनके आसपास होता है। जब एलेक्स क्रॉस की पार्टनर सस्पेक्ट के साथ बैठी होती है, तब एलेक्स क्रॉस उससे कहते हैं, लेजली उससे कहो कि तुम्हें बड़े बालों वाली लड़कियां पसंद क्यों नहीं है। जैसे डिटेक्टिव क्रॉस अपनी पार्टनर लेजली से कहते हैं, लेजली वैसे ही उस आदमी से कह देती है। वह आदमी कहता है कि मुझे बड़े बालों वाली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि उनका टेस्ट खराब होता है। इसके बाद वह आदमी कहता है कि मैं तुम्हारी आंखों में देखना चाहता हूँ मासूमियत। यही कुछ पैटर्न होते हैं उस साइको किलर के, इसीलिए डिटेक्टिव क्रॉस यह पहचान लेते हैं कि वही आदमी सीरियल किलर है। दूसरी तरफ वो आदमी लेजली के साथ जबरदस्ती करने लगता है। इस दौरान उस आदमी को लेजली के पास एक ईयरपीस दिखता है जिसके जरिए वो डिटेक्टिव क्रॉस से बात कर पा रही थी। लेजली मदद बुलाती है, जिसके बाद हेलीकॉप्टर और वैन इस आदमी का पीछा करने लगते हैं और उसे रुकने के लिए कहते हैं। लेजली भी अपनी गन निकालकर उस आदमी पर पॉइंट करके उसे कार रोकने के लिए कहती है, पर वो कार को ना रोककर कार का एक्सीडेंट कर देता है। इस दुर्घटना में वो आदमी मारा जाता है, पर लेजली हाईवे की रेलिंग्स पर फंस जाती है। डिटेक्टिव क्रॉस और बाकी टीम लेजली को बचाने के लिए आते हैं, पर डिटेक्टिव क्रॉस के सामने ही उनकी पार्टनर लेजली वहां से गिर जाती है और उसकी भी मौत हो जाती है। अब सीन आता है 9 महीने बाद का, जहां हम देख पाते हैं कि एक स्कूल में कड़ी सुरक्षा के साथ अमेरिकी सेनेटर की बेटी और रशिया के प्रेसिडेंट के बेटे का ध्यान रखा जा रहा होता है। इसी स्कूल में गैरी सोंजी नामक एक कंप्यूटर साइंस का टीचर होता है। गैरी अपनी क्लास लेता है और क्लास में अमेरिकी सेनेटर की बेटी मेगन और रशिया के प्रेसिडेंट का बेटा दिमित्री भी होता है। दिमित्री और मेगन काफी अच्छे दोस्त होते हैं। ये दोनों क्लास में एक दूसरे को नोट भेज रहे थे, पर खास बात यह थी कि ये अपने नोट एक फोटो में कोडिंग के जरिए छिपाकर भेजते थे। इस तरह से ये दोनों क्लास में टीचर के सामने बातें करते थे और टीचर को कुछ पता भी नहीं चलता था। गैरी अपनी क्लास खत्म होने के बाद मेगन को अपने ऑफिस में ले जाता है और कहता है कि मेगन, तुम पिक्चर कोडिंग के जरिए दिमित्री के साथ मिलकर चीटिंग कर रही थी, मुझे सब पता है। अब दरअसल पिक्चर कोडिंग के जरिए चीटिंग की जा सकती है, पर मेगन और दिमित्री सिर्फ बातें कर रहे थे। मेगन गैरी सोंजी से कहती है कि सर, हम चीटिंग नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ बातें कर रहे थे। गैरी दरअसल मेगन को अपनी बातों में उलझा रहा था। इसी का फायदा उठाकर गैरी एक इंजेक्शन की मदद से मेगन को बेहोश करने की कोशिश करता है। इसी बीच मेगन अपने हाथों को छटपटाती है। मेगन के हाथों से गैरी का चेहरे का मास्क फट जाता है। ये नजारा देख हम समझ पाते हैं कि गैरी का ये चेहरा असली नहीं है। खैर, यहाँ गैरी मेगन को बेहोश कर देता है। तभी गैरी के ऑफिस में एक दूसरी टीचर आ जाती है। गैरी उसे कहता है कि मेगन अचानक बेहोश हो गई। वो टीचर मेगन को जगाने की कोशिश करती है कि तभी गैरी एक वायर की मदद से उस टीचर का गला घोटकर उसे मार देता है। दूसरी तरफ जेजी, जो उस स्कूल में सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रख रही थी, वो देखती है कि मेगन अभी तक नहीं आई है। एक टीचर उसे बताती है कि मेगन शायद गैरी सोंजी की क्लास में होगी। जेजी उसे देखने के लिए पहले गैरी की क्लास में आती है, पर क्लास खाली होती है। इसके बाद वो गैरी के ऑफिस की ओर बढ़ रही होती है। इधर गैरी मेगन को एक छोटे से बॉक्स में बंद करके ले जाता है। गैरी किसी तरह मेगन को अपनी कार तक ले जाता है। दूसरी तरफ जेजी जब गैरी के ऑफिस में आती है, तो वो देखती है कि एक टीचर की लाश वहां पड़ी है। जेजी तुरंत सिक्योरिटी को अलर्ट कर देती है। इधर गैरी सोंजी सारे सिक्योरिटी पास कंप्लीट करके स्कूल से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम फिर से डिटेक्टिव क्रॉस को देख पाते हैं, जो अब रिटायर हो चुके हैं। हमें पता चलता है कि डिटेक्टिव क्रॉस अभी तक अपनी पार्टनर की मौत को नहीं भूल पाए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी ही गलती की वजह से उनकी पार्टनर लेजली उस स्टिंग ऑपरेशन के दौरान मारी गई। दूसरी तरफ गैरी सोंजी मेगन को किडनैप करके अपनी बोट पर ले आता है और अपने चेहरे से मास्क और नकली बालों को निकाल देता है। गैरी सोंजी एक व्यक्ति को कॉल लगाता है, जो और कोई नहीं बल्कि डिटेक्टिव क्रॉस होते हैं। गैरी डिटेक्टिव क्रॉस से कहता है कि मैंने ही मेगन को किडनैप किया है, मैंने उसकी एक निशानी को तुम्हारे मेल बॉक्स में भेज दिया है, अगर तुम उस तक पहुंच सको तो पहुंच जाओ, मैं तुम्हें इस केस में लेने की कोशिश बहुत समय से कर रहा था। गैरी एक कविता की तरह भी कुछ कहता है। गैरी कहता है कि अगर मैं मर गया तो ये केस भी मर जाएगा, ये एक किताब की तरह होगा जिसे मैं बंद करूंगा, लेकिन ये किताब कभी बंद नहीं होगी। डिटेक्टिव क्रॉस कहते हैं कि कविता अच्छी है, लेकिन इसका मतलब क्या है। गैरी इसके बाद कुछ नहीं बताता और फोन काट देता है।
ये जितनी भी बातें इन्होंने की डिटेक्टिव क्रॉस इन्हें रिकॉर्ड कर लेते हैं। डिटेक्टिव क्रॉस जब अपना मेल बॉक्स चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि उसमें एक जूता है। डॉक्टर क्रॉस सीधे अमेरिकी सीनेटर के घर पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं कि अमेरिकी सीनेटर और उनकी वाइफ रोज अपनी बेटी मेगन के किडनैप हो जाने के बाद कितने परेशान हैं। डिटेक्टिव क्रॉस यहां आकर इन दोनों को दिलासा देते हैं और कहते हैं कि आपकी बेटी जल्द ही मिल जाएगी। अब गैरी सोनजी ने इस केस में डिटेक्टिव क्रॉस को क्यों शामिल किया ये तो गैरी ही जाने। खैर यहां डिटेक्टिव क्रॉस वो सारी रिकॉर्डिंग जो उन्होंने रिकॉर्ड की थी सबको सुनाते हैं। ऑफिसर मैक को लगता है कि गैरी ने मेगन को सिर्फ पैसों के लिए किडनैप किया है, इसीलिए वो फिरौती की रकम जरूर मांगेगा। इसके बाद डिटेक्टिव क्रॉस जेजी से गैरी सोनजी के बारे में पूछने लगते हैं, क्योंकि उसने लगभग 2 साल तक उस स्कूल में सिक्योरिटी और बाकी सभी चीजों की देखरेख की, इसीलिए वो गैरी सोनजी को किसी भी आम आदमी से ज्यादा जानती थी। जेजी अपने आप को मेगन की किडनैपिंग का दोषी मान रही थी, वो मान रही होती है कि उसकी गलती की वजह से ही मेगन को गैरी सोनजी किडनैप करके ले गया। जेजी को थोड़ा और जानने के लिए डिटेक्टिव क्रॉस उसके घर जाते हैं, जहां वो एक शॉटगन देखते हैं। जेजी कहती है कि ये मेरी डैड की थी, उन्होंने इसे एक जुए में जीता था एसेस एंड एट की बाजी से। इसके बाद ये दोनों बातें करने लगते हैं। जेजी कहती है, क्या मैं गैरी सोनजी के केस खत्म होने तक आपकी पार्टनर बन सकती हूँ? डिटेक्टिव क्रॉस मान जाते हैं, क्योंकि इसी बहाने वो अपनी पहली पार्टनर की मौत को भूल पाएंगे। अगले दिन ये स्कूल जाते हैं, जहाँ पुलिस की छानबीन चल रही थी। डिटेक्टिव क्रॉस वैन डिवाइन से मिलते हैं, जो स्कूल की सिक्योरिटी का चीफ था। डिटेक्टिव क्रॉस उससे पूछते हैं कि क्या तुमने कभी गैरी सोनजी से बात की? इस पर बैन कहता है, नहीं, मैंने कभी उससे बात नहीं की। इसके बाद ही गैरी के ऑफिस में पहुंचते हैं, जहां डिटेक्टिव क्रॉस देखते हैं कि एक खाली फ्रेम दीवार पर है, जिसका सीधा मतलब ये होता है कि एक पिक्चर मिसिंग है। डिटेक्टिव क्रॉस को गैरी के कंप्यूटर से पता चलता है कि वो मिसिंग पिक्चर मिस्टर चार्ल्स लिंडबर्ग की है, जो 1923 के समय में एक पायलट और मिलिट्री ऑफिसर थे। डिटेक्टिव क्रॉस जब उनकी पिक्चर पर जूम करते हैं तो वो एक लाइव साइट से जुड़ जाते हैं। जूम आउट करने पर पता चलता है कि जहां मिस्टर लिंडबर्ग की तस्वीर है वो गैरी सोनजी का घर है। डिटेक्टिव क्रॉस किसी तरह वहां का पता निकाल लेते हैं। इसके बाद पुलिस टीम, डिटेक्टिव क्रॉस और जेजी वहां पहुंच जाते हैं। वहां जाकर डिटेक्टिव क्रॉस को एक बुक में वही लाइन देखने को मिलती है जो गैरी सोनजी ने शुरुआत में डिटेक्टिव क्रॉस से कही थी, कि अगर मैं मर गया तो ये केस भी मर जाएगा, ये एक किताब की तरह होगा जिसे मैं बंद करूंगा, पर ये किताब कभी बंद नहीं होगी। जिस किताब में ये कुछ लाइंस थी, ये किताब ब्रूनो होपमैन द्वारा लिखी गई होती है। सारी चीजें फिगर आउट करने के बाद डिटेक्टिव क्रॉस सेनेटर और मिस रोज को बताते हैं कि 1923 में ब्रूनो होपमैन ने मिस्टर लिंडबर्ग के बेटे को किडनैप किया और उसे मार दिया था। ये क्राइम उस सदी का सबसे बड़ा क्राइम था, इसीलिए इस क्राइम को उस समय का क्राइम ऑफ द सेंचुरी कहा गया। इसी तरह गैरी सोनजी ने आपकी बेटी को किडनैप किया है ताकि सभी जगह उसकी इस किडनैपिंग की चर्चा हो, वो सुर्खियों में आना चाहता है, वो ब्रूनो होपमैन की तरह लोगों के दिलों में अपने डर की छाप छोड़ना चाहता है। मिस रोज कहती है कि क्या वो मेरी बेटी को मार देगा? इस पर डिटेक्टिव क्रॉस कहते हैं कि जरूरी नहीं वो आपकी बेटी को मारे। इधर मेगन गैरी सोनजी की बोट में मदद के लिए काफी आवाज लगाती है, पर अफसोस उसकी आवाज को पुलिस वाले भी नहीं सुन पाते। अगले दिन मेगन अपने चैम्बर में लगी अलार्म की बैटरी निकालती है और गैरी से कहती है कि मिस्टर सोनजी मुझे वॉशरूम जाना है। गैरी वॉशरूम के लिए दरवाजा खोलता है, जिसके बाद मेगन बाहर निकलकर बड़ी चालाकी से वो बैटरी गैस पर रख देती है और वॉशरूम में चली जाती है। वो देखती है कि बोट किनारे से ज्यादा दूर नहीं है, साथ ही वहाँ एक मछुआरा भी है। मेगन इंतजार करने लगती है कि कब वो बैटरी फटे। कुछ देर बाद वो बैटरी गैस की गर्मी की वजह से फट जाती है, जिसकी वजह से बोट में आग फैलने लगती है। गैरी आग को बुझाने की कोशिश करता है और इसी का फायदा उठाकर मेगन बोट से बाहर निकलकर पानी में कूद जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। वो मछुआरा मेगन को देख लेता है और उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। गैरी जल्दी से आग बुझाकर बोट को मेगन की तरफ लेकर आता है और उस मछुआरे को गोली से मार देता है। गैरी मेगन को वापस अपनी बोट पर ले लेता है और यहाँ से बोट लेकर भाग जाता है। कुछ घंटे बाद यहाँ आम पुलिस को देखते हैं। डिटेक्टिव क्रॉस और जेजी भी यहाँ पहुंच जाते हैं। इन्हें पता चल जाता है कि गैरी ने ही उस मछुआरे को मारा है, क्योंकि यहाँ इन्हें मेगन की जैकेट भी मिलती है। इस सबसे ये भी अंदाजा हो जाता है कि मेगन अभी भी जिंदा है और गैरी के पास है। इसके बाद डिटेक्टिव क्रॉस ये सोचते हैं कि आखिर गैरी सोनजी ने मेगन को ही किडनैप क्यों किया, जबकि लोग साल भर में गैरी को भूल जाएंगे। अगर उसे लोगों के बीच अपना डर ही डालना था या उसे लोगों के बीच ज्यादा ही फेमस होना था, तो वो किसी ऐसे को किडनैप करता जिससे लोग उसे कभी नहीं भूलते।
डिटेक्टिव फ्रोस कहते हैं कि जेसी तुमने उस स्कूल में लगभग 2 साल तक नजर रखी, तुमने गैरी सोंजी और बाकी सभी टीचर्स पर इतने सालों पर बहुत ध्यान दिया है, बताओ कि ऐसा कोई है जिसे किडनैप करके गैरी बहुत ज्यादा फेमस हो जाता। ये सुनते ही जेसी कहती है कि दिमित्री रशिया के प्रेसिडेंट का बेटा। ये सुनते ही डिटेक्टिव क्रॉस और जेसी एम्बेसी की ओर जाने लगते हैं जहां रशिया के प्रेसिडेंट का बेटा था। यहां हम दिमित्री को देख पाते हैं जो मेगन से पिक्चर कोडिंग की मदद से बात कर रहा था। उसे लगता है कि मेगन किसी तरह उससे बात कर रही है। उसे नहीं पता होता कि गैरी ही मेगन के नाम से उससे बात कर रहा है। गैरी उसे कहता है कि एम्बेसी से बाहर निकलकर तुम्हें एक कॉल करना होगा। इधर डिटेक्टिव क्रॉस और जेसी यहाँ पहुंच जाते हैं और एम्बेसी सिक्योरिटी चीफ से दिमित्री का हालचाल पूछते हैं। इस पर सिक्योरिटी चीफ इनसे कहता है कि दिमित्री बिल्कुल ठीक है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ की सिक्योरिटी सब संभाल लेगी। ये सुनकर डिटेक्टिव क्रॉस और जेसी जाने लगते हैं, पर जेसी डिटेक्टिव क्रॉस से कहती है कि हम एम्बेसी से बाहर रुक कर देख सकते हैं, शायद कुछ ना कुछ हमारे हाथ लग जाए। डिटेक्टिव क्रॉस जेसी की बात मान जाते हैं और एम्बेसी के बाहर रुक कर नजर रखने लगते हैं। कुछ देर बाद यहाँ पुलिस की कार आती है जो डिटेक्टिव क्रॉस और जेसी से कहती है कि आप इस एरिया में अपनी कार पार्क नहीं कर सकते। डिटेक्टिव क्रॉस उनसे कहते हैं कि हम ड्यूटी पर हैं, मेरा नाम डिटेक्टिव एलेक्स क्रॉस है। ये सुनते ही वो पुलिस ऑफिसर आगे चले जाते हैं। यहाँ दिमित्री गैरी को मेगन समझकर उसकी बात मान लेता है और एम्बेसी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ गैरी सोंजी पुलिस यूनिफॉर्म में एम्बेसी के पास खड़ा हो जाता है, जिसके बाद पुलिस आकर उसे कहती है कि क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है ऑफिसर। गैरी अचानक से इन दोनों ऑफिसर को गोली मार देता है और इनकी कार लेकर फोन बूथ के पास आकर रुक जाता है। डिटेक्टिव क्रॉस पुलिस की कार को देख लेते हैं। डिटेक्टिव क्रॉस को कुछ गड़बड़ लगती है क्योंकि अभी अभी इन्होंने उन्हें बताया था कि हम ड्यूटी पर हैं, तो वो यहाँ कैसे रुक सकते हैं। कुछ देर बाद दिमित्री अपनी सिक्योरिटी और कैमरों की नजर से बचकर एम्बेसी से बाहर आकर फोन बूथ में आ जाता है और कॉल लगाने लगता है। जेसी दिमित्री को देख लेती है और डिटेक्टिव क्रॉस को बता देती है। डिटेक्टिव क्रॉस देखते हैं कि उस कार से एक ऑफिसर निकलकर दिमित्री की ओर आ रहा है। डिटेक्टिव समझ जाते हैं कि जरूर वो गैरी सोंजी है जो दिमित्री को किडनैप करने आया है। जेसी तुरंत यू टर्न लेकर दिमित्री के पास पहुंच जाती है। गैरी भी अपना प्लान फेल होता देख भागने की कोशिश करता है। डिटेक्टिव क्रॉस जेसी से उसकी कार के टायर पर गोली चलाने के लिए कहते हैं, पर जेसी ऐसा नहीं करती। जब गैरी कुछ दूर इनसे चला जाता है तब जाकर जेसी उसकी कार के टायर पर गोली चला देती है, जिससे उसकी कार डिसबैलेंस हो जाती है। जेसी उस पर नॉन स्टॉप फायरिंग करने लगती है, पर तब तक गैरी किसी तरह भाग जाता है। गोलियों की आवाज सुनकर एम्बेसी की सिक्योरिटी बाहर आकर डिटेक्टिव क्रॉस और जेसी से उनकी गन्स छीन लेती है। इस सब की हो जाने के बाद जेसी अपने आप को कोस रही होती है, क्योंकि अगर वो पहले ही गैरी की कार पर गोली चला देती तो गैरी पकड़ा जाता। डिटेक्टिव क्रॉस जेसी को संभालते हुए कहते हैं कि जेसी तुम्हारी वजह से हम एम्बेसी के बाहर रुक सके, जिस वजह से गैरी दिमित्री को किडनैप नहीं कर पाया। तुमने दिमित्री को बचाया है, इसीलिए तुम्हें अपने आप पर फक्र होना चाहिए। इधर गैरी सोंजी भागकर वापस अपनी बोट पर आ जाता है। वो बहुत गुस्से में होता है। गैरी अपनी गन निकालता है और मेगन को मारने वाला होता है, पर यहाँ मेगन होती ही नहीं। अब मेगन कहाँ है इसके बारे में तो हम कहानी के साथ ही जानेंगे। खैर सीनेटर के पास गैरी की कॉल आती है जो डिटेक्टिव क्रॉस के लिए होती है। गैरी कहता है कि डिटेक्टिव अगर तुम मेगन को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें $10 मिलियन के हीरे एक थर्मस में लाने होंगे। अब मैं तुम्हें ठीक 4 बजे फिर से कॉल करूंगा। इसके बाद ठीक 4 बजे फिर से गैरी का कॉल आता है। गैरी कहता है कि वो हीरे लेकर 20 मिनट के अंदर वाटर गेट पहुंच जाओ। जैसा गैरी कहता है डिटेक्टिव क्रॉस $10 मिलियन के डायमंड्स को लेकर पहुंच जाते हैं। डिटेक्टिव क्रॉस अपनी लोकेशन समय समय पर जेसी को बताते रहते हैं। जब डिटेक्टिव वाटर गेट पहुंचते हैं तो वहां डिटेक्टिव को एक फोन मिलता है, जिस पर फिर से कॉल आता है जो गैरी का होता है। गैरी डिटेक्टिव से कहता है कि डिटेक्टिव एलेक्स क्रॉस अब तुम्हें फोन और अपनी गाड़ी छोड़कर 14 मिनट में 6th पेंसिल्वेनिया द फाउंटेन पहुंचना होगा। डिटेक्टिव क्रॉस भागकर फाउंटेन के पास पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें फिर से एक कॉल आता है जो गैरी का होता है। गैरी कहता है मेडिसन 12th 12 मिनट में पहुंचो। जब डिटेक्टिव वहां पहुंचते हैं तो फिर से गैरी का कॉल आता है। वो कहता है तुम्हें अब 4 मिनट के अंदर यूनियन स्टेशन की मेन एंट्रेंस तक पहुंचना होगा। जब डिटेक्टिव वहां पहुंचते हैं तो फिर से गैरी का एक कॉल आता है जो मेट्रो में जाने के लिए कहता है। जैसा गैरी कहता है डिटेक्टिव मेट्रो में चले जाते हैं। जेसी भी उन्हें फॉलो करते हुए मेट्रो में आ जाती है। जब मेट्रो चलने लगती है तब डिटेक्टिव को फिर से एक कॉल आता है जो गैरी का होता है। गैरी कहता है कि अपने लेफ्ट साइड की विंडो के शीशे को तोड़ दो।
डिटेक्टिव अपनी गन की मदद से लेफ्ट साइड की एक विंडो को तोड़ देते हैं। तभी गैरी कहता है कि अब उन हीरो को फेंक दो। जैसा गैरी कहता है, डिटेक्टिव क्रॉस उन हीरो को उस विंडो से बाहर फेंक देते हैं। उन हीरो को गैरी कैच कर लेता है और इनकी मेट्रो आगे निकल जाती है। इसके बाद हम डिटेक्टिव क्रॉस और जेजी को जेजी के घर पर देख पाते हैं। तभी घर की डोरबेल रिंग होती है। जैसे ही जेजी देखने के लिए जाती है तो बाहर गैरी सुनजी खड़ा होता है। वो जेजी को शौक देकर बेहोश कर देता है और डिटेक्टिव क्रॉस पर गन तान देता है। गैरी कहता है, डिटेक्टिव अपनी गन मुझे दे दो, क्योंकि अगर तुमने मुझे मार दिया तो मेगन तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगी। डिटेक्टिव अपनी गन गैरी को दे देते हैं। यहाँ ये दोनों कुछ बातें करने लगते हैं। इन बातों से हम ये समझ पाते हैं कि गैरी एक साइको है, क्योंकि जब वो 15 साल का था तो उसने अपनी माँ और अपने पिता को जलाकर मार डाला था। डिटेक्टिव कहते हैं, गैरी मेगन कहाँ है? इस पर गैरी कहता है, मेगन कहाँ है? शायद उसकी लाश किसी नदी में तैर रही होगी या वो किसी वेयर हाउस में कैद होगी। डिटेक्टिव समझ जाते हैं कि मेगन उसके पास नहीं है। इसके बाद डिटेक्टिव कहते हैं कि तुम्हें $12 मिलियन के हीरे मिल चुके हैं, अब तुम्हें मेगन को वापस लौटा देना चाहिए। गैरी कहता है, हाँ मैं $12 मिलियन के हीरे पाकर काफी खुश हूँ। दोस्तों इस सीन को मत भूलना। आपको याद होगा कि फिरौती में $10 मिलियन के हीरे दिए गए थे। डिटेक्टिव जब गैरी से कहते हैं कि तुम्हें $12 मिलियन के हीरे मिल गए हैं, तो इस पर गैरी कहता है कि हाँ मैं $12 मिलियन के हीरे पाकर काफी खुश हूँ। ये सीन देखकर हम ये समझ पाते हैं कि वो हीरे गैरी के पास नहीं है, क्योंकि गैरी ने $10 मिलियन की फिरौती मांगी थी। और यहाँ गैरी कहता है कि मैं $12 मिलियन के हीरे पाकर काफी खुश हूँ। इससे ये साबित होता है कि हीरे और मेगन गैरी के पास नहीं है, और ये सच भी होता है, क्योंकि हमने उस वक्त देखा था कि गैरी की बोट में मेगन नहीं है। खैर गैरी डिटेक्टिव से कहता है कि मैं जेजी को ले जा रहा हूँ। इधर जेजी को होश आ चुका था। जैसे ही गैरी उसे ले जाने की कोशिश करता है, जेजी उसकी टांग पर चाकू मार देती है। डिटेक्टिव इस बात का फायदा उठाकर वो शॉटगन उठा लेते हैं और गैरी सोनजी को मार देते हैं। ये देख जेजी रोने लगती है, क्योंकि गैरी सोनजी ही मेगन का पता जानता था। डिटेक्टिव क्रॉस को यह पता चल गया था कि मेगन अब उसके पास नहीं है, इसी मतलब से ही डिटेक्टिव ने गैरी सोनजी को मारा होता है। गैरी सोनजी की मौत की खबर सभी न्यूज चैनल में फैल जाती है। उसके मर जाने से सीनेटर डिटेक्टिव पर भड़क जाता है, क्योंकि उसके मर जाने से अब मेगन यानी उसकी बेटी का पता कभी नहीं चल पाएगा। डिटेक्टिव मिस रोज को यकीन दिलाता है कि अभी तक ये किताब बंद नहीं हुई है। उससे उनका मतलब होता है कि अभी तक ये केस बंद नहीं हुआ है। इसके बाद डिटेक्टिव क्रॉस मैक को ये बताते हैं कि वो हीरे गैरी ने फिरौती के रूप में नहीं मांगे थे, बल्कि इस खेल के पीछे कोई और भी है। मैं कहता कि तुम्हें कैसे पता कि हीरे गैरी ने नहीं मंगाए थे? इस पर डिटेक्टिव कहते हैं कि मैंने जब गैरी से कहा कि तुम्हें $12 मिलियन के हीरे मिल चुके हैं, इस पर उसने मुझसे कहा कि वो $12 मिलियन के हीरे पाकर काफी खुश है। इसका मतलब ये है कि गैरी हीरो के बारे में कुछ नहीं जानता, क्योंकि उसने फिरौती मांगी ही नहीं थी। इन दोनों की दिमाग की बत्ती जलती है, जिसके बाद ये दोनों स्कूल पहुंचते हैं। डिटेक्टिव उस फुटेज को देखने लगते हैं जब गैरी ने मेगन को किडनैप किया था। मैं कहता कि हम ये हजारों बार देख चुके हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। डिटेक्टिव क्रॉस कहते हैं कि जब गैरी सोनजी मेगन को किडनैप करके भाग रहा था, तब जेजी ने बैन को अलर्ट किया और बैन पैदल ही भागकर मेन गेट तक पहुंचा, जबकि वो बैठे बैठे वहीं से मेन गेट को बंद करवा सकता था। ये सारी चीजें फिगर आउट करने के बाद ये दोनों समझ पाते हैं कि बैन डिवाइन को पता था कि गैरी सोनजी मेगन को किडनैप करने वाला है। खैर इसके बाद हम देख पाते हैं बैन डिवाइन को, जो स्कूल की सिक्योरिटी का चीफ होता है। मेगन उसी के पास किडनैप होती है। कुछ देर बाद यहाँ जेजी आ जाती है और वैन पर गन तान देती है। कुछ देर बाद जेजी अपनी गन नीचे कर लेती है और मुस्कुराने लगती है। बैन कहता है, जेजी तुम्हारे प्लान और दिमाग की वजह से आज हमें ये $10 मिलियन के हीरे मिल पाए हैं। ये नजारा देख हम समझ पाते हैं कि ये सारा प्लान जेजी और बैन का था। जेजी उसे कहते कि डिटेक्टिव क्रॉस बहुत चालाक आदमी है, उसे पता है कि मेगन गैरी के पास नहीं थी, इसीलिए उसने गैरी को मार डाला था। और उसे ये भी पता है कि $10 मिलियन के हीरे भी गैरी के पास नहीं है। बैन कहता है, इसका मतलब है कि डिटेक्टिव क्रॉस अब हमारे पीछे है। जेजी कहती है, नहीं वो तुम्हारे पीछे है। इतना कहकर जेजी बैन के सिर में गोली मारकर उसे मार देती है। जेजी उसे इसीलिए मारती है क्योंकि बैन की वजह से वो भी फंस सकती थी। इसके बाद जेजी मेगन को मारने के लिए जाती है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव क्रॉस जेजी के घर आ जाते हैं, क्योंकि उस फुटेज में ये भी साबित हो रहा था कि जेजी भी बैन के साथ मिली हुई है। डिटेक्टिव क्रॉस को जेजी घर पर नहीं मिलती, जिसके बाद वो जेजी के कंप्यूटर को चेक करने की कोशिश करते हैं, पर जेजी के कंप्यूटर पर पासवर्ड होता है। क्रॉस इस बात को याद करते हैं जब जेजी ने कहा था
कि वो शॉटगन उसके पिता ने एक जुए में एसिस एंड एट की बाजी से जीती थी। अब दोस्तों जुए में एसिस एंड एट एक काफी फेमस चाल है, इसीलिए डिटेक्टिव जेजी के कंप्यूटर में जब एसिस एंड एट पासवर्ड इंसर्ट करते हैं तो लकीली पासवर्ड एसिस एंड एट ही होता है, जिस वजह से कंप्यूटर खुल जाता है। कंप्यूटर से डिटेक्टिव को पता चलता है कि गैरी सोनजी 2 साल से मेगन को किडनैप करने की कोशिश कर रहा था और जेजी गैरी पर 2 साल से नजर रख रही थी। जेजी को गैरी की हर चाल के बारे में पता था। उसे ये भी पता था कि गैरी की बोट कहाँ है, जिसकी वजह से बैन गैरी की बोट से मेगन को किडनैप करके ले आया। डिटेक्टिव को इनकी सीक्रेट लोकेशन के बारे में भी पता चल जाता है, जिसके बाद डिटेक्टिव वहां के लिए निकल जाते हैं। इधर जेजी मेगन से कहती है कि मेगन, मैं जेजी हूँ, मैं तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ। मेगन कहती है कि आपके साथ और कोई क्यों नहीं आया है। मेगन चालाक होती है, इसलिए वो दरवाजा नहीं खोलती। जेजी को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगती है, पर मेगन बच जाती है। मेगन यहाँ से भागने की कोशिश करती है, तभी डिटेक्टिव क्रॉस मेगन को पकड़कर छिप जाते हैं। जेजी भी मेगन को ढूंढने लगती है, तभी पीछे से डिटेक्टिव क्रॉस मेगन को गन फेंकने के लिए कहते हैं। जेजी कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला। इस पर डिटेक्टिव कहते हैं कि एम्बेसी के बाहर तुम गैरी को वहीं रोक सकती थी, पर तुमने गोली लेट चलाई ताकि गैरी भाग जाए और तुम्हें फिरौती के $10 मिलियन वाली हीरे मिल सके। और तुम स्कूल वाली फुटेज में मेन गेट को पहले ही बंद करवा सकती थी, पर तुमने अपने साथी बैन से कहा और बैन पैदल भागकर मेन गेट तक पहुंचता है। इससे ये क्लियर हो गया कि तुम ही इस खेल की मास्टरमाइंड हो। ये सुन जेजी डिटेक्टिव पर गोली चलाने वाली होती है, पर डिटेक्टिव इससे पहले ही जेजी को मारकर उसकी कहानी का एंड करते हैं और इस केस की किताब को बंद करते हैं। इसके बाद डिटेक्टिव मेगन को यहाँ से सेफ ले जाते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।